नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बंसी वाले की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। यह बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हम इसमें ब्राउन राइस यूज़ करेंगे और बहुत सारी सब्जियां भी यह भी डालेंगे। यह लंच के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइए चावल बनाने की सामग्री देखते हैं। ये है पालक, हरा धनिया, आलू मटर, टमाटर, हरी मिर्च, मसाले हैं लौंग, तीन चार लौंग, तीन चार काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, और तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नींबू, और हम डालेंगे जीरा और ब्राउन राइस जो मैंने 2-3 घंटे भिगो के रखे थे। इसमें 100 सोयाबीन। कुकर में तेल डाल रहे हैं। ये है, हमने तेल डाल के कुकर में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो आपको बताए थे, ये जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता। अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और ग्रीन चिली। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, जैसा आपको तीखा पसंद हो वैसे डाल लीजिएगा, धनिया पाउडर, और वो डाल के हम इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसालों को भी। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर के साथ ही नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद टमाटर को थोड़ा नरम होने तक पकाएंगे। अब टमाटर नरम हो चुका है, अब हम इसमें ये सारी कटी हुई सब्जियां डालेंगे, आलू मटर, नगेट्स, पालक। इनको डालने के बाद हम थोड़ी देर इनको भी फ्राई करेंगे। देखिए अब इस सब्जियां फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कटोरी चावल था, 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और 1 उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और हरा धनिया, नींबू और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसका डालने के बाद इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। और ढक्कन बंद करके हम इसको 2 सीटी दिलवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल बन चुके हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब ये चावल हमने सर्व कर दी है पुलाव। अब आप इसको दही या हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।